नगर निगम में बुधवार को आकेंद्रित कर्मचारी संघ के नौ निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर आयुक्त अंजनी सिंह के द्वारा की गई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नौ निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया। आकेंद्रित कर्मचारियों संघ के नौ निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को महापौर ने शपथ दिलाया। इस मौके पर नौ निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि जनहित के कार्य से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए जनहित के कार्य सर्वोपरि मानकर काम कीजिए। शपथ ग्रहण समारोह में नौ निर्वाचित अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष फरहान अहमद, महामंत्री दीपक श्रीवास्तव, संरक्षक शेषनाथ पांडे, देवानंद त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष सुनील बनर्जी, संगठन मंत्री अरविंद यादव, संयुक्त मंत्री रविकांत सैनी, प्रचार मंत्री रमजान तथा अफरोज आलम, मनोज पांडे, वकील सिंह सहित सभी कार्यकारिणी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा के अध्यक्ष राम प्रकाश जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि फरहान अहमद को माला अर्पण कर स्वागत करें। हम बहुत देखते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, विशेषकर जो संविदा पर हमारे कर्मचारी रखे गए हैं, एक तो अनट्रेंड कर्मचारी रखे गए हैं जिनको कोई काम का अनुभव नहीं है, ना बिना ट्रेनिंग दिए उनको हम लोगों ने अपने हाथ उस काम के लिए रखा जिसकी उनकी जानकारी नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग हमारे गोरखपुर के कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी सफाई व्यवस्था हम जनता को मुहैया नहीं करा पा रहे। इस पर हमारे सभी कर्मचारी बंधु जो हमारे विशेष पदाधिकारी चुने गए उनके जिम्मेदारी बनती है कि इस पर भी चिंता करें, इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त हम कैसे करें, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी। माननीय महापौर महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों शपथ दिलवाए। हम केंद्रित कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह आज नगर निगम सभागार में हुआ है, जिसमें नए पदाधिकारी चुने गए हैं और कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए, उनका शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण में जो बातें हुई हैं कि किसी भी यूनियन का काम होता है अपने कर्मचारियों का हित, लेकिन सर्वोपरि होता है जनता का हित। इस बात पर चर्चाएं हुई हैं, हमारे सभी कर्मचारी इस बात पर सहमत हैं कि जनता का हित सर्वोत्तम हित है और इस को आधार बनाकर हमारे सभी पदाधिकारी और नगर निगम के सभी कर्मचारी इस पर काम करेंगे और ये सीएम सिटी है, इस सिटी को सुंदर और स्वच्छ बनाने में हम लोग बिना किसी भेदभाव का सहयोग करेंगे और सीएम सिटी को स्वच्छ और सुंदर बनाकर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह पर
नगर निगम के तरफ से मैंने सभी नए पदाधिकारियों को और कर्मचारी एवं अधिकारियों को मैंने अपने तरफ से बधाई दी है, धन्यवाद दिया।